साधक पद मत जाना। कोई व्हाट्सएप भी नहीं चलाएगा? नहीं उसको अभी नहीं, अरे उसको बहुत मौके में सुनाएंगे, पहले सुनेगा। सुने गाना कह रहा है क्या कह रहा बेटे गाना? और हरियाणा वालों ने गाया। साबी भैया ध्यान दे, मेरे जिगर का छल्ला तू मेरी जान रे, कहो तो तुझे दादू पाजे राजी बोल जा। भाई साहब वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा दो। हेलो, ये तो तर्ज है लेकिन जब दादा लोग बैठे हैं तो मैं कहूंगा कुछ नहीं, बिल्कुल बस आप दादा के पास जाइएगा नहीं, बस बस व्हाट्सएप चलाइएगा नहीं। ये बात ऑनलाइन भी हो सकता है लेकिन लेकिन बट किंतु परंतु अगर मगर दादा कुछ गलती हो जाए तो क्षमा चाहूंगा। ये माने क्या ये लॉन्ग बेच मनोज जैन अध्यक्ष जैन समाज खरगापुर, आप तो से 201 रुपए आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। कहना है क्या? क्या इधर रीच राज जामवती खड़े हैं, आगे रावण खड़ा है, लड़ाई होने वाली है। जब लड़ाई होने वाली तो कहना है क्या? आगे है बूढ़ा बालू रावण जवान है, क्या बजा रहे हो? टुपक 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 साबी भैया ये आपके लिए है। जामवंत बूढ़े मगे रावण जवान है लेकिन लेकिन हमारे क्या कोर्ट में दो लोग हैं, रावण जवान है लेकिन दस कलंदर की आपत में जान गए। वाह वाह क्या बात है। फिर जामवंत बूढ़े मगे रावण जवान है फिर भी दस कलंदर की आपत में जान गए। तो अरे बहुत है मारा, बहुत है मारा करारा, मारा घूसा बड़ी तेज पाजी भूलिगा। गजब क्योंकि लाइन कह रही है ओ राजी बोलना ओ कहू तो तुझे दादू पाजे राजी बोलना ऐसे ही। अरे बहुत है
पाजी, उसे कहते पाजी, लेकिन कभी कभी जल्दी में कहते पाजी। पाजी यानी भाई, पाजी यानी शैतान। सभी पाजी बड़ी तेज पाजी भूलगा, तो रंगबाजी पाजी भूलगा। लेकिन जितना अच्छा प्रस्तुतिकरण रहा है उतनी अच्छी तालियां नहीं आई हैं। जी, तालियां कार्यक्रम की जान होती हैं, ये कहने की जरूरत नहीं है। और इतनी पाबंदी तो शायद किसी कैदी को जेल में नहीं लगती होगी। जितनी पाबंदी हमारे भैया सचदेवा ने हमारे लिए लगा रखी, बात नहीं कर सकते, मोबाइल नहीं ले सकते, कलम नहीं ले सकते, ऐसा कुछ नहीं है। नजर ने नजर से यूं बात कर ली कि रहे होंठ खामोश, मगर बात कर ली, ये भी हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद है इस होनहार बालक के लिए। इसके सामने नहीं, इनके पीठ पीछे भी हम भैया सचदेवा के लिए शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। बहुत होनहार बालक है। बीच में बाधक नहीं बन रहे हैं। सुंदर सा गीत आपकी ओर से आया है। इधर से गीत आया था आधा जनाना आधा मर्दाना, इधर से भी जवाब प्रयास किया है अपने, आधा जनाना नहीं नहीं, ऊपर जनाना नीचे मर्दाना, आगे मर्दाना पीछे जनाना, कुछ इस तरह से गीत भेंट किया है, प्रयास किया है, बहुत अच्छा प्रयास है। अब उससे आप संतुष्ट होते हैं कि नहीं है ये आप जाने, आपका काम जाने, आज हम संचालक हैं। और आदरणीय हमारे दाऊ श्री चंद्रभान दाऊ साहब रविकर जी, जो कि एक बहुत अच्छे कलमकार हैं, मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपके द्वारा ये बहुमूल्य भेंट एक से एक मुद्राएं, साथ ही ये सुगंधित पुष्पों की माला आपके द्वारा जो भेंट की गई है, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार ज्ञापित करता हूँ, ऋणी हूँ। और आइएगा, मैं बीच में ज्यादा समय ना लेकर सीधे आमंत्रित करता हूँ आदरणीय नीलम जी को। अब वो इसलिए कि अगले टंड में सचदेवा जी ये ना कहने लगे कि दादा ने बीच में समय इतना दे दिया नीलम जी को कि जवाब लिखने का बहुत ज्यादा मौका मिल गया, इसलिए मैं उस रास्ते को भी साफ करते हुए आमंत्रित करता हूँ आदरणीय नीलम जी को, आए और अपने सुंदर से जवाब और गीत के द्वारा पाजी बोलगा, सुनते हैं नीलम विश्वकर्मा जी को। साधुवाद, धन्यवाद है। हेलो हेलो, सुन रहे भैया और देख भी रहे हम। टीटू भैया बाहर कहाँ गए अब? भैया सचदेवा शरारती जी को बिल्कुल सुंदर कटपीस, सुंदर गीत। बड़े भैया आपने तो कहा है क्या जो जवाब आया है यार। आपने कहा है कि नीलम जी ऐसा गाइए, सचदेवा शरारती कभी कलाकार के लिए नहीं गाता। सही है, सचदेवा शरारती कभी कलाकार के लिए नहीं गाता, वो जनता जनार्दन के लिए गाता है। आपका बेटे भैया आपका
अगर ये जनता जनार्दन के लिए गाते हैं आप तो फिर बगल में हमको क्यों लगाया? बिल्कुल क्यों लगाया भैया? हमको क्यों लगाया? आपका बातों से कीर्तन नहीं होता। आपने कहा कि जनता जनार्दन के लिए गाती है, गाते हैं हम, तो ये नीलम भी जनता जनार्दन के लिए ही गाती है। आनंद पब्लिक को आना चाहिए, लेकिन जवाब आपको लिखना है। बिल्कुल। और कुछ आपको लगे कि हमको लिखना है, ऐसा मैटर आना चाहिए। मैंने प्रयास किया है, और आपका कहना कि नीलम बहन का तो ये तजुर्बा ही हो गया है कि पहला गीत ऐसा डालो कि बस कलाकार कलाकार हो जाए। बहुत बढ़िया। सचदेवा जी, जी आप कब सुधरेंगे? कोई चांस नहीं है। कब सुधरेंगे? बार बार कह रहे हैं नीलम जी ऐसा गीत डालिए, डाला है आपने। मैंने कहा है कि आपसे पहले भी ये गा चुके हैं, YouTube पे भी पड़ा है, लेकिन आप कह रहे हैं कि पहला गीत है। मेहनत करने से डर रहे हैं। कि शिव जी ने धारा ऐसा रूप सुहाना, आधा मर्दाना और आधा जनाना, आधा मर्दाना और आधा जनाना। हेलो हेलो, मैन माइक सही करिए। ढोलक की चाटी भी ऐसे बज रही जैसे आकाशवाणी में बजा रहे हैं। एक बार बना ले इसको। हेलो हेलो हेलो, देखो थोड़ा आए। हेलो हेलो हेलो, इनके माला आला नहीं डलिए का? हेलो, ये क्या है? इनका सिटी का पैसा काट लेंगे हम। हेलो 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 हेलो, अब देखिए मेरा आप सभी से निवेदन है। बड़े भैया सुनिएगा, सुने आप सभी से निवेदन है कि जो पहला टुकड़ा आया भगवान भोलेनाथ का, आधा जनाना आधा मर्दाना, और दूसरा वही राजा सुधुम्न जब नारी बने तो कुछ दिन जनाना रहे कुछ दिन मर्दाना, और वही जब भगवान कन्हैया ने भेजा अर्जुन को भीष्म पितामह के पास, तो जब बताया भीष्म पितामह ने कि हे अर्जुन वैसे मुझे मारना असंभव है, लेकिन वो शिखंडी अगर सामने आए तो अब का मर्दाना, मगर वो जब का जन तब का जनाना। और डीके पंडा जी, वही जनाना वही मर्दाना, लेकिन आपका जवाब आ रहा है। सचदेवा जी, आपका जवाब आया। बिल्कुल। कि आधे मर्दाना आगे मर्दाना और पीछे जनाना, हनुमान जी महाराज बहुत बढ़िया पूंछ के रूप में माता पार्वती हैं। दादा समझिए, आगे मर्दाना पीछे जनाना, ऊपर भगवान सालेग्राम के माता तुलसी हैं, ऊपर जनाना तो नीचे मर्दाना। बहुत बढ़िया। कलयुग में आपने दिखाया आगे मर्द जनाना पीछे मर्दाना, बहुत बढ़िया, लेकिन इधर देखिए उल्टा है। ये प्रसंग रह गए थे, ये उधर उल्टा है। आपका एक ही कथानक सही है बड़े भैया, केवल एक कथानक सही है आगा, जो और जो भले ही कम आए लेकिन अच्छा आना चाहिए। जरूरी नहीं कि हम चार युग लगाएं, आप चारों युगों में घूमें। आपका नहीं, लड़का मेहनत कर रहा है। चार युगों के घूमने के बाद भी अगर जवाब ना आए तो थोड़ा खेद होता है। आपका एक प्रसंग अच्छा है, वो है अर्जुन का। मेरे गीत में
आधा जनाना आधा मर्दाना भगवान भोलेनाथ वही बने राजा सुधुम्न। तो कुछ दिन जनाना कुछ दिन मर्दाना कोई दूसरी नहीं है, ना नारी है ना पुरुष है। बिल्कुल। तीसरा प्रसंग मैंने लिया शिखंडी का, वही जनाना वही मर्दाना, डीके पंडा जी वही जनाना वही मर्दाना। तन से मर्दाना मगर मन से जनाना। लेकिन आप कहीं सालक राम दिखा रहे हैं, तुलसी दिखा रहे हैं, कहीं माता पूछ पार्वती हनुमान जी के बनकर आई। बिल्कुल। देखिए बातों से कीर्तन नहीं होता, बातों से कीर्तन नहीं होता। शाबाश। आपने कहा बड़ी बहन ये करती हैं वो करती हैं, ये सब कुछ नहीं है बड़े भैया, ये सब आपका मानना है। बाकी जितना इसने आप हमको करते हैं हम उतना आपको भी करते हैं। आर्गा बेटे इसमें कोई शक नहीं है। आपने कहा हम जनता जनार्दन के लिए गाते हैं, तो हम भी जनता जनार्दन के लिए गाते हैं। आर्गा बस अपना अपना तरीका अलग है। नीचे वाले नीचे वालों के लिए गा रहे हैं। कम खाओ लेकिन अच्छा खाओ, ये देखो साउंड इन जैसा होना चाहिए। लेकिन आइए सुनिए। बिल्कुल बहुत बढ़िया। प्रयास करेंगे बड़े भैया सुनिएगा, क्योंकि ये धुन बहुत दूर से खोज के लाए हैं। आप हैं भैया, भैया श्री पवन शुक्ला जी द्वारा आपके माध्यम से एक पत्र मुद्राएं भेंट हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। और एक निवेदन है हमारे पवन भैया जहाँ कहीं भी हैं, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मंच पर पधारें। बिल्कुल आ जाइए शुक्ला जी। हमारे पवन भैया जहाँ भी हैं आप, ये टुकड़ा आपने बहुत बढ़िया ढंग से गाया है। और बड़े भैया ये आप जानते हैं, बिल्कुल ये गीत मैं दूसरी बार गा रही हूँ वो भी आप ही से। लेकिन अगर कहीं धुन में मिस्टेक हो जाए तो आप लोग क्षमा करिएगा। बिल्कुल गाया फिल्मी दुनिया वालों ने। कौन सा बेटे? कि मेरे जिगर का छल्ला तू मेरी जान वे। कैली रे मेरी नाजुक कैली, ओ मेरी गुड़ की डली रे मेरी नाजुक कैली, मैं तेरी ना दू पाजेब राजी बोल जा, ओ राजी बोल जा, हाँ राजी बोल जा, मैं तेरी ना दू पाजेब राजी बोल जा। अच्छा टुकड़ा आया है आपका। आप कह रहे पाजी भूल गा। वाह पाजी बूढ़ा है भालू और रावण जवान। आइए प्रयास सुनेगा। सुने भगवान शनिदेव और भगवान हनुमान जी महाराज आमने सामने आ गए। शनिदेव बार बार उनको ललकार रहे हैं मुझसे युद्ध करो। आज यूट्यूब वालों को हम लोग खुद देंगे। युद्ध करो। अब देखिए हनुमान जी महाराज बार बार नकार देते हैं। बिल्कुल उसकी बात पर ध्यान नहीं देते हैं शनि महाराज की। बिल्कुल
फिर ललकारा तो जब ललकारा तो हनुमान जी महाराज कहने लगे ऐसा नहीं जा, अरे जा, जा, जा मैं तुझसे युद्ध करना नहीं चाहता। आजा शनि महाराज ने कहा क्यों क्यों तो कहने लगे जा, मेरा बूढ़ापा हनुमान जी से लड़ना चाहते हैं सनी देव, लेकिन हनुमान जी मना कर रहे हैं और तर्क दिया क्या बने? कहने लगे मेरा बूढ़ापा लेकिन तू तो जवान है। अरे सनी मैं तो बूढ़ा हूँ तो मेरा बूढ़ापा लेकिन तू तो जवान है, काहे करता आके मुझको परेशान है। बार बार हनुमान जी महाराज हटा रहे हैं उसकी बात को, टाल रहे हैं, लेकिन लेकिन जब नहीं माना तो हनुमान जी महाराज कह रहे हैं क्या? मेरा बूढ़ापा लेकिन तू तो जवान है, काहे करता आके मुझको परेशान है, इसलिए मैं युद्ध करना नहीं चाहता। और जब शनि महाराज नहीं माने तो कहना पड़ा, जब नहीं माने तो देखिए दोनों में युद्ध हुआ तो कहना पड़ा। तब बलि ने लताड़ा पर्वतों पे पछाड़ा शनि महाराज को, तब बलि ने लताड़ा पर्वतों पे पछाड़ा, बल सारा वो पाजी भूलगा। क्या बात बोले, क्या बात पाजी आपने कहा भाई, तो देखिए शनि महाराज भी हनुमान जी महाराज के भाई हैं, वो गुरु भाई हैं, सूर भगवान के पुत्र हैं। क्या बात, और सूर भगवान हनुमान जी महाराज के गुरु हैं, तो कहना पड़ा। क्या बने? तब बलि ने लताड़ा पर्वतों पे पछाड़ा, बल सारा तो देखो पाजी भूलगा। और जब तो ऐसा ऐसा है मारा बही खून की धारा, जब मारा तो ऐसा है मारा बही खून की धारा, रंगदारी वो देखो पाजी रंगदारी वो सारी पाजी भूलगा। जब हनुमान जी महाराज ने उसको मारा तो देखिए वो सारी रंगदारी भूलगा। बड़े भैया ये रहा आपके सुंदर से कट पीस का, हम बच्चों की तरफ से केवल प्रयास। आइए सुनिए, बहुत अच्छा गीत आया है।